नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इमेजिन मैं आपको बोलूं कि एक ट्रेन है जो कि 420 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे दौड़ी थी, तो आप यकीन कर लेंगे कि हाँ, एक ट्रेन इतनी स्पीड पकड़ सकती है। बट अगर मैं आपको बोलूँ, ये चीज़ आज से लगभग 50 साल पहले की बात है, 47 ईयर्स पहले ये काम हुआ था, तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार मतलब उस टाइम भी क्या लोग इतने एडवांस थे। To give you a perspective, उस टाइम पे जो फास्टेस्ट ट्रेन थी वो जापान की बुलेट ट्रेन थी, जिसकी स्पीड 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी। और उस टाइम पे एक शख्स ने ये बोला कि मैं एक ट्रेन चला के दिखाऊंगा। उन्होंने चला के दिखाई, जो कि 421 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ रही थी। मैं बात कर रहा हूँ जॉन ब्रिटन की। जॉन ब्रिटन जो है वो फ्रेंच नेशनलिस्ट है, और फ्रांस में उन्होंने एक ट्रैक बनाया, वहाँ पे उन्होंने ये ट्रेन दौड़ाई। अब ये उस टाइम फ्यूचर ट्रेन होने वाली थी। जॉन ब्रिटन का सपना था, इसका एरोट्रेन उन्होंने नाम रखा, और उन्होंने बोला कि भैया ये जो एरोट्रेन है, दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। अलग कैसे थी इस वीडियो के, दो बेसिकली दो पार्ट हम कर देंगे। पहला पार्ट रखेंगे टेक्नोलॉजी साइड, कि क्या टेक्नोलॉजी थी एरोट्रेन की। दूसरी चीज़ विच इज़ अगेन इंटरेस्टिंग, कि ट्रेन फेल क्यों गई। आज तक हमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। ट्रेन बन गई थी उस टाइम पे, ट्रैक्स बन गए थे, पैसे थे जॉन ब्रिटन के पास में, सबको पता थी टेक्नोलॉजी क्या है, फिर ये क्यों मतलब आज हमें देखने को नहीं मिलती है। आज हमारे पास में उतनी फास्ट ट्रेन ज़रूर है, जापान के पास में है, चाइना के पास में मैगलेव्स है, बट एग्जैक्टली वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो भी उतनी भी ज़्यादा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है सब कंट्रीज की बात में, यूरोपियन कंट्रीज़ एक टाइम पे इस वॉर में थी कि कौन फास्ट ट्रेन बनाएगा। स्पेन, फ्रांस, इटली सब फास्ट ट्रेन्स में घुस रहे थे, हालांकि उस दौर के बाद में, लेकिन आज भी वो लेवल ऑफ फास्ट स्पीड्स वाली ट्रेन है नहीं। उसका क्या रीज़न है उसकी भी बात करेंगे। मैं अभी हूँ पेरिस से कुछ किलोमीटर दूर, और मैं हेड कर रहा हूँ उस ट्रैक की तरफ जो कि उस खास एरोट्रेन के लिए बनाया गया था उस टाइम पे 1974 में। मतलब बनाया तो थोड़ा पहले गया होगा, 1974 में वहाँ पे ट्रेन दौड़ाई गई थी, और फ्रेंच गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, उसमें जॉन ब्रिटन जो है खुद इन्वॉल्व थे, और बहुत ही पैशनेट आदमी था वो, और बहुत ही गजब काम उन्होंने किया। सब चीज़ों की बात करते हैं, उस ट्रैक तक पहले मैं पहुँचता हूँ। पेरिस से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे वो ट्रैक है, और कोई खास जानकारी इसके बारे में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कोई खास लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने कहीं पढ़ लिया था 5-6 साल पहले, इसलिए मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था, और तो उस वजह से जो है मुझे लगा आप भैया पेरिस आए तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाए। लेट्स हेड टू द टेस्ट ट्रैक और देखते हैं उसकी आज क्या कंडीशन है आफ्टर 47 ईयर्स। क्या वो है भी कि नहीं वहाँ पे, वो सब चीज़ें भी देखनी, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है। ओके, सो आई हैव रीच्ड टू द हिस्टोरिकल साइट जहाँ पे चीज़ें शुरू हुई और जहाँ पे चीज़ें ख़त्म भी हो गई। सो आई विल जस्ट प्लेस माई कैमरा एंड देन विल टॉक। बहुत मैंने थोड़ा सा ब्लेजर डाल लिया बिकॉज ठंड बहुत है। आई होप मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। तो टेक्नोलॉजी क्या थी? वेल, जॉन ब्रिटन ने बोला कि ये जो हम रेगुलर जो पहियों पे चलने वाली ट्रेन देखते हैं, इसकी एक लिमिट है, उससे आगे जो है हम इसको दौड़ा नहीं सकते हैं, उस स्पीड से आगे जा नहीं सकते, मतलब एक लिमिट है। उस टाइम पे मैक्सिमम 120 के आसपास ट्रेन जाती थी, और उन्होंने जॉन ब्रिटन का कहना था क्या पहुँच जाएंगे हम, 200-300 पहुँच जाएंगे, बट उससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि हाईवेज़ बन रहे थे, एयरक्राफ्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहे थे 1970s में, तो ट्रेन्स को भी फास्ट करना जो है बनता है। अब उन्होंने बोला कि हम एक नई तरह की टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, वी नीड फंडिंग फॉर दैट, फ्रेंच गवर्नमेंट को उन्होंने बोला। तो गवर्नमेंट ने पूछा कि क्या टेक्नोलॉजी है। ब्रिटेन ने बोला कि वी विल डू अ होवर ट्रेन, जो कि हवा में थोड़ी सी रहेगी और दौड़ेगी। अब ये एक बार की लग रहा है कि यह क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सब चीज़ें हैं। उन्होंने बोला कि देखो, रेगुलर ट्रेन में क्या होता है, आप पहिए जो है उसके ज़्यादा तेज दौड़ाएंगे, तो पहियों के कॉनिकल शेप की वजह से, जिसकी वजह से ट्रेन बाय द वे पहियों पे टिकी रहती थी, वो कॉनिकल शेप की वजह से, उसकी वजह से हंटिंग ऑसिलेशन जो है वो हो जाता है। ज़्यादा हंटिंग ऑसिलेशन जो है वो ट्रेन को डीरेल कर सकता है, नीचे गिरा सकता है, ज़्यादा स्पीड पर जा नहीं सकते हैं, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, वो मतलब उसकी लिमिट है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेन को हवा में चलाएंगे। तो हवा में कैसे चलाएंगे, ये जो आप ट्रैक देख पा रहे हैं, इसमें बेसिकली इस ट्रैक का कोई खास रोल है नहीं। इसमें जो बीच में दी हुई एक दीवार सी आपको उठी हुई लग रही है, ये पर्टिकुलर दीवार जो है ट्रेन को सिर्फ पकड़ने का काम करती थी। इसको ट्रेन इस पर चलती नहीं थी, टिकी हुई नहीं रहती थी, इस पर सिर्फ पकड़ी ट्रेन जो है उसको होल्ड करने का काम यहाँ पर होता था। अब ये कैसे चीज़ काम करती, उन्होंने समझाया कि हम एक लेट्स इमेजिन, हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक ट्रेन का डब्बा है,
वो ट्रेन का डब्बा जो है उसके ऊपर जेट इंजन एक माउंट किया जाएगा. अब वो जेट इंजन जो है वो इतना प्रेशर, इतना थ्रस्ट जनरेट करेगा कि डब्बा आगे जाएगा, जस्ट लाइक एरोप्लेन. एरोप्लेन में इंजन जो है आगे की ओर धकेलता है एक एरोक्राफ्ट को. बट आप बोलोगे एरोप्लेन में तो विंग्स होते हैं, उसके बाद वो इवेंचुअली हवा में उड़ जाता है जिसकी वजह से रगड़ नहीं खाता है कहीं पे और वो उड़ने लगता है. लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम था, हवा में कैसे उड़ेगा, इसमें विंग्स तो थे नहीं. वेल, हवा में ये ऐसे उड़ता कि उन्होंने एक इंजन के साथ में कुछ और जो है एयर पंप्स लगाए नीचे की ओर, कुछ और एयर पंप्स जो है उन्होंने ट्रेन के नीचे की ओर लगाए जो कि बेसिकली ट्रेन को हल्का सा हवा में उठा के रखते थे. अब जैसे ही ट्रेन हल्की थी हवा में उठी, ऑब्वियसली वो हवा में उठने के बाद इधर उधर नहीं गिरेगी बिकॉज जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये गाइडवेज लग रखे हैं ऊपर, ये उसको होल्ड करके रखते. हवा में उठी और जेट इंजन जब चलता तो उसकी वजह से जो है ट्रेन आगे बढ़ती. अब क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था तो ट्रेन की स्पीड जो है हाई स्पीड अचीव कर सकती थी. अब यहाँ पे सब लोग, जब फ्रेंच गवर्नमेंट को ये बात जॉन ब्रिटन ने बताई तो सब लोगों को लगा कि कितनी ही हाई स्पीड आप अचीव कर लोगे. आखिरकार ये 18 किलोमीटर का ट्रैक जॉन ब्रिटन ने बनाया, फ्रेंच गवर्नमेंट उनको पैसे दिए और जब टेस्ट ट्रैक हुआ तो 250 माइल्स पर आर, यानी कि लगभग 412 से लेकर 421 किलोमीटर पर आर की स्पीड जो है उन्होंने उस टेस्ट ट्रैक पर जो है अचीव करवा दी. अब यहाँ पे जो है सबको लगने लगा कि भैया दिस इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी. हावरक्राफ्ट जो है वो भी बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी पे बना था. हावर ट्रेन यहाँ पे आ गई है, जेट प्रोपल्शन से चलती है और इवेंचुअली इसी पे आगे जाके मैगलेव ट्रेन जो कि आज हम शंघाई में देखते हैं, हालांकि वो भी ज़्यादा मतलब बड़े ट्रैक्स पे नहीं है, बहुत ही लिमिटेड ट्रैक उसका है, तो मैगलेव भी इसी टेक्नोलॉजी पे आई. तो सबको लगा कि दिस इज़ नाउ फ्यूचर और इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है होना चाहिए. बाकी कंपनीज भी देखने लगी, US भी, ब्रिटेन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन जो है उस टाइम पे उन्होंने भी सोचा कि चलो इसमें इन्वेस्ट किया जाए. बट दिस थिंग्स फेल्ड, ये टेक्नोलॉजी फेल होगी धीरे धीरे. अब एक तो मैं ये जो खूब सारे टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैगलेव, जेट प्रोपल्शन, हंटिंग ऑसोलेशन, होवरक्राफ्ट, होवरबोर्ड, ये आपको लग रहा होगा कि ये सब इंजीनियरिंग टर्म्स है बहुत ज़्यादा और शायद आपको इन टर्म्स के बारे में जानने के लिए भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़े. बट ऐसा नहीं है, आज के दौर में ऑनेस्टली इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स जो है वो बहुत ही ईजिली ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है. और इस वीडियो के स्पॉन्सर स्किल शेयर जो है वो एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है और वहाँ पे जाके आप ढेरों क्रिएटिव स्किल्स सीख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज जो है अपना गेन कर सकते हो. फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हो, चाहे इंजन मैकेनिज्म के बारे में हो, जेट प्रोपल्शन के बारे में हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हो, कुछ भी हो, आप कोई भी क्लासेस लेके उसके बारे में वहाँ पे सीख सकते हो. पहले मैंने स्किल शेयर पे लुइस फॉर्मन की एरोस्पेस इंजीनियरिंग की क्लासेस ली थी और मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह के बारे में मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, कैसे वो पूरी इंडस्ट्री काम करती है, कैसे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो मैंने वहाँ पे एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस के बारे में क्लियर किए. उसके बाद में अभी मैं डॉक्टर अली अब्दाल की क्लासेस ले रहा हूँ प्रोडक्टिविटी की, जहाँ पे वो मतलब बेसिकली मैं अपना वर्क फ्लो ऑर्गेनाइज करने के बारे में मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखा है. क्या होता है कि इतना ट्रैवल इन्वॉल्व रहता है कि यूजुअली मैं ये प्लेसेस एक्सप्लोर जो है करवाना मेरे लिए मुश्किल होता है. अगर मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ना चलूं, या तो ड्यूरेशन लंबी हो जाती है या फिर चीज़ें एक्सप्लोर नहीं हो पाती है. तो ये मैं फिलहाल जो है मैं डॉक्टर अली अब्दाल की क्लासेस से बहुत ज़्यादा सीखा है और काफ़ी हेल्प एक्चुअली उन क्लासेस से मुझे मिल रही है. इंडियन क्रिएटर्स भी है बहुत सारे स्किल शेयर पे और स्किल शेयर की सब्सक्रिप्शन फ़ीस सालाना 2000 रुपये से भी कम है, जो कि 166 रुपये पर महीना हुआ. आई एम श्योर इंजीनियरिंग की किताबें इससे ज़्यादा महंगी होती होगी और द फैक्ट कि आप इतनी सारी स्किल्स जो है वो सीख सकते हैं अपने एक ही सब्सक्रिप्शन पे, वो भी बिना किसी ऐड के, दैट मेक इट एब्सोल्युटली वर्थ इट. नीचे दिए गए लिंक से अगर आप ज्वाइन करोगे तो सिंस स्किल शेयर इज द वीडियो स्पॉन्सर, पहले 1000 लोगों को फर्स्ट मंथ का ट्रायल फ्री मिलेगा. अब बात करते हैं कि ये ओवरऑल एरोट्रेन की जो सारी की सारी माया थी वो फेल क्यों हुई, कहीं और जाके यहाँ बहुत लग रही है ऑनेस्टली. ओके, तो अब आता है असली सवाल कि आखिर एक टेक्नोलॉजी जो कि इतनी फ्यूचरिस्टिक लग रही थी, इतने लोग इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, हाउ कम इट कोलैप्स्ड, वो कैसे ख़त्म हो गई एकदम से. देखो, जितनी सिंपल ये टेक्नोलॉजी थी उतने ही कॉम्प्लेक्स इसके रीजंस थे इसके ख़त्म होने के. सो एक पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से सब चीज़ें ख़त्म हो गई. सबसे ज़्यादा जो आग में घी डालने वाला काम है वो किया था रिसेशन ने. तो 1973 से ही जो है पूरी दुनिया जो है उसमें एक अलग तरीके का रिसेशन आ रहा था. हर एक कंट्री उससे अलग अलग तरीके से जूझ रही थी. फ्रांस उनमें से एक कंट्री थी जिनमें कंटिन्यूसली रिसेशन का असर पड़ रहा था. तो बेसिकली क्या होता है, जब रिसेशन चल रहा होता है तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में दिमाग नहीं लगाती है, पैसा नहीं लगाती है जहाँ पर उनको लग रहा हो कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और दे डोंट रियली नो कि आउटपुट क्या होगा. अब रिसेशन ने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया.
सबसे पहले 74 में जब टेक्नोलॉजी वगैरह सब रेडी थी, मेन सवाल ये था कि जो एग्जिस्टिंग इतनी सारी रेलवे लाइन बन रखी है भैया, वो तो कोई काम नहीं आएगी क्योंकि ये उन रेलवे लाइंस का तो कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है इस वाली टेक्नोलॉजी में, तो हमें एक अलग से रेलवे लाइन बनानी पड़ेगी। फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो बिट्स एंड पीसेस में बनाते हैं, अभी चलो फ्रांस से ऑरलेंस तक बना लें, फ्रांस से एक और दूसरी पेरिस से ऑरलेंस तक बना लें, नीस से मर्सिल तक बना लें, अलग अलग जगह तक बना लेते हैं। बट देन एक और ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से जो जॉन ब्रिटन थे, जो एक्चुअल में इसके पीछे जिन ब्रिटन जिनका सारा दिमाग था, कैंसर था उनको लास्ट उस टाइम पे, लास्ट स्टेज में थे और उनकी डेथ हो गई 77 में। 77 में डेथ होने के बाद में कोई ऐसा खास इंटरेस्ट जो है किसी ने इतना बड़ा दिखाया नहीं। मल्टीपल तरीके के रिसेशन की वजह से मल्टीपल कंट्रीज़ में जाए एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, वहाँ पे भी कुछ खास होने नहीं लगा। प्लस फ्रांस जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उन्होंने TGV नाम का जो उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था जो कि एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन पे चलता था, उन्होंने उसको अपग्रेड करना शुरू कर दिया। उनको थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल लगा, उनको लगा कि जहाँ हमारी ट्रेन अभी 100 की स्पीड पे दौड़ रही है, वहाँ पे TGV वाले सिस्टम पे जाने के बाद में वी विल प्रॉब्ली गो टू 220-250। वो भी उनको सही लगा। आज तक फ्रांस उसी पे है, मतलब TGV में ही मल्टीपल टाइप की ट्रेन्स है, प्राइवेट प्लेयर्स है, कुछ 300 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, बट कोई भी ट्रेन जो है उस स्पीड तक नहीं पहुंच पाई जिस स्पीड तक एरोट्रेन पहुंची थी। तो रिसेशन जो है वो था, ब्रिटेन की डेथ, उसके बाद में गवर्नमेंट का कम इंटरेस्ट, उसमें ज़्यादा इनोवेशंस नहीं हो पाए। लेकिन क्या रीज़न रहा कि ग्लोबली जो है इस चीज़ को किसी ने भी ट्राई नहीं किया? पहले ऐसा नहीं है कि किसी ने ट्राई नहीं किया, इट्स जस्ट कि जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन्स थी वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो रही थी और इतना ज़्यादा लोग उसके साथ कंफर्टेबल हो गए थे कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो है इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं गया। तो जिन कंट्रीज़ ने भी मैगले और इस तरीके नए कॉन्सेप्ट पे काम किया है, उन्होंने भी बेसिकली वहाँ काम किया है जहाँ पे एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन्स थी नहीं। तो अगर आप देखोगे तो चाइना जिस ट्रैक पे मैगलेव चलाता है, वहाँ पे एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन्स जो है उसके इतर उसको बनाया गया है, एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन आज भी चल रही है। तो ये चीज़, या मतलब बेसिकली ये कहा जा सकता है मोटा मोटी बात कि ऐसी टेक्नोलॉजी अब तब शायद ज़्यादा लॉजिकल लगेगी जब या तो हम पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे या हमें बहुत कम स्पीड लगने लगेगी वो रेलवे ट्रैक्स की। बेसिकली हमें वो रेलवे ट्रैक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी सेटअप हो रखा है उसको हटाने के लिए और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी कोई चीज़ चाहिए या और ज़्यादा कोई जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। तब तक हमारे रेलवे ट्रैक जो है वो जिंदाबाद रहेंगे। हालांकि आज फ्रांस हुआ या स्पेन हुआ, इनके पास में जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक है उन्हीं पे ये लोग ऐसी ट्रेन्स चला रहे हैं जो कि 300-350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करती है। हंटिंग ऑसिलेशन जैसे कई जो चैलेंजेस हैं उनको काफ़ी अलग अलग तरीके से टैकल करने की कोशिश की है। ब्रिटेन ने अलग तरीके से टैकल करने की कोशिश की, उन्होंने ऐसी ट्रेन बना दी जो कि मुड़ जाती है एक एंगल तक। इन्होंने जो है ट्रैक्स ऐसे इंप्रूव कर दिए हैं और बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लगा के ट्रैक्स को बहुत फाइन ट्यून कर दिया है। जापान ने उन्हीं ट्रैक्स पे बुलेट ट्रेन शिनकाइजन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक शिनकाइजन कुछ ट्रेन चलती है उसकी स्पीड बहुत तेज है, उन्होंने उसको इतना ज़्यादा फाइन ट्यून कर दिया है। तो काम चल रहा है, उन्हीं ट्रैक्स पे चल रहा है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन इंडिया में जो है आज भी टॉप स्पीड जो है हम उतनी अचीव नहीं कर पाए जितना ये लोग 1974 में भी अचीव कर रहे थे, या 1974 तो नहीं बट ऑलमोस्ट 80s के आसपास TGV के साथ में 250 किलोमीटर पर आर की अचीव कर रहे थे। तो हमें एज ए नेशन अभी बहुत तरक्की करनी है, लेकिन दुनिया हो सकता है होवरट्रेन या जो मैगलेव टेक्नोलॉजी है उस पर और ज़्यादा चीज़ें जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़े। मैगलेव थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। इफ़ यू वांट कि एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो बता दीजिएगा, वी विल ट्राई। बाकी तो इट्स अ सैड स्टेट कि फ्रांस जो है उस चीज़ में सफल नहीं हो पाया, कोई भी देश उसने ज़्यादा कभी काम नहीं किया, स्पेशली अमेरिका जिनके पास में वास्ट प्लेन्स है, बड़े एरियाज हैं, ट्रेन्स जैसे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, उन्होंने भी कभी ट्रेन्स में ज़्यादा दिमाग ऑनेस्टली लगाया नहीं। इनफैक्ट दे आर नॉट एज डेवलप्ड एज स्पेन, फ्रांस, जापान, इतने भी उनको अभी दिमाग, वो अभी भी स्टक है उस पुराने ट्रेन वाले ज़माने में। खैर फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, स्किल शेयर अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।